आज के वीडियो में फ्रेंड्स सीखेंगे कि नेविगेशन बटन क्या होता है। आपके मोबाइल में ये ऑप्शन होता ही है, चाहे कोई भी कंपनी का आपका मोबाइल हो, हर मोबाइल में ये ऑप्शन होता है नेविगेशन बटन का। और ये कैसे वर्क करता है और ये क्या होता है, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ से आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट का। अगर आपके मोबाइल में इस तरह के ऑप्शन नहीं आता है तो कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से स्मार्ट कन्वीनियंट को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेविगेशन बटन का ऑप्शन आ गया। अगर आपके मोबाइल में स्मार्ट कन्वीनियंस का ऑप्शन नहीं आता है तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेंगे नेविगेशन बटन करके। जब नेविगेशन बटन करके सर्च कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। देखिए मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ से बैक करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पर सर्च सेटिंग का ऑप्शन है, ये हर मोबाइल में होता है। और यहाँ पर हम सर्च करेंगे नेविगेशन बटन NAVI। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेविगेशन कीज करके ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से नेविगेशन कीज पे हम क्लिक कर देंगे और हम डायरेक्ट वहीं पे चले आएंगे। और बैक भी करेंगे तब भी हमको यहाँ पे नेविगेशन कीज देखने के लिए मिलेगा। आप कैसे भी जाएं दोनों ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपका कोई भी कंपनी का मोबाइल हो आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेविगेशन बटन को मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नेविगेशन वर्चुअल कीज नेविगेशन लिखा हुआ है। ये क्या होता है फ्रेंड्स देखिए, अभी जो एक्टिवेट है इस साइड का जो है ये बैक बटन है, ये होम बटन है और ये रिसेंट बटन है। मेरे मोबाइल में इस साइड जो है रिसेंट बटन है, होम बटन और बैक बटन। अगर आप इसे इंटरचेंज करना चाहते हैं, इधर उधर करना चाहते हैं, अगर आप इसे इस बटन को इधर आगे पीछे करते हैं, लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, तो आप इसमें और भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, दूसरा ऑप्शन जिसमें आप रिसेंट बटन को इस साइड कर सकते हैं, होम बटन आपका बीच में रहेगा और बैक बटन आपके राइट साइड आ जाएगा, जो भी इस साइड आपका रिसेंट बटन है। तो देखिए इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा देखिए इधर बैक बटन आ गया और इधर रिसेंट बटन आ गया। ये तो रहा वर्चुअल की का नेविगेशन जो आप इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है फ्रेंड्स, स्वाइप अप गेस्चर नेविगेशन। ये क्या होता है देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही इसमें फ्रेंड्स और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है बैक एट बोथ साइड। जब आप इसे यहाँ से आपका जो नेविगेशन बटन है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले पर आपका कोई भी बटन नहीं दिख रहा है। इसमें फ्रेंड्स बता रहा है जब हम यहाँ से इसे साइड करेंगे, अप करेंगे ये ऊपर वाला ऑप्शन में, तो ये बैक हो जाएगा। और बीच में अगर ऊपर करेंगे तो होम बटन पे आ जाएगा। और वही अगर हम बीच में ऊपर करके होल्ड करेंगे एक सेकेंड तो ये रिसेंट बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है। देखिए 2 3 4 तरह के इसमें है, तो चारों मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट वाला मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, और क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसे जैसे हम करेंगे ये होम बटन पे आ गया। मेरे मोबाइल में अभी कोई भी बटन नहीं है, आप देख सकते हैं नीचे कोई भी बटन नहीं है। चलिए मैं यहाँ से सेटिंग को ओपन करता हूँ और कुछ भी ऐसे ओपन कर लिया फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद अब मुझे बैक करना है, तो मैं इसे एक बार ऐसे क्लिक करूँगा बैक हो जाएगा। और अगर हमें रिसेंट पर लाना है तो मैं यहाँ से टच करके ऐसे होल्ड करूँगा तो ये रिसेंट बटन पर आ जाएगा। और अगर फिर से हमें होम बटन पर जाना है तो ऐसे कर देंगे फ्रेंड्स तो होम बटन पर आ जाएंगे। और इस तरह से जो थोड़ा सा है स्मार्ट तरीका हो जाता है और आपको बैक बार बार नहीं करना पड़ेगा। कहीं से भी टच कीजिए आप एक बार में इसे यहाँ से रिसेंट बटन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही स्मार्ट तरीका है और ये आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं इसमें। इसके लिए फिर से हम यहाँ से स्मार्ट एंड कन्वीनियंट पर जाते हैं, नेविगेशन बटन पर जाते हैं। और जो दूसरा तरीका है सिंपल गेस्चर में, देखिए यहाँ पर स्वाइप अप करेंगे तो होम स्क्रीन पर चले जाएँगे, और होल्ड करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें भी वही है, होल्ड करेंगे तो हम रिसेंट बटन मिलेगा। इसमें बैक का ऑप्शन ही नहीं दिया है जो दूसरा सिंपल गेस्चर लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इसमें बैक का ऑप्शन नहीं है, इसमें अलग अलग होता है। ये पहला वाला में तीनों ऑप्शन था, बैक, होम बटन और रिसेंट बटन, और दूसरा में केवल है बैक, होम बटन और होल्ड रिसेंट बटन। और जो तीसरा में भी वही फ्रेंड्स, बैक ऑन द राइट। यहाँ पे अगर अप करेंगे तो इस साइड से, अगर ये वाला हम सेलेक्ट करते हैं तो इस साइड अगर अप करेंगे तो बैक हो रिसेंट बटन हो जाएगा। मतलब जो पहले वाला जो हम बताएं उसमें थोड़ा सा इधर उधर
बस है, लेकिन है केवल वही कि हम बीच में करेंगे तो होम स्क्रीन और अगर इस साइड करेंगे तो बैक होगा। तो चेंज है इसी तरह से नीचे भी फ्रेंड्स वही कुछ है। तो इस तरह से आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, और जो नीचे में एक ऑप्शन है हाइड गेस्चर गाइड बार, आप इसे चाहे तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। इसे जब अलाउ कर देंगे तो आपका जो गाइड है वो आपको गाइड शो नहीं करेगा। चलिए ये कैसे होता है देखिए, यहाँ से क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और हमें कोई भी गाइड नहीं मिलेगा, कोई भी एरो नहीं बताएगा कि इसे हमें कैसे बैक करना है। यहाँ से करेंगे और इस तरह हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नेविगेशन बटन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसे हम कैसे हाइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।